आईपीएल सीजन 12 का ये राइवलरी वीक चल रहा है, जहां पे आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है। चलिए इस मुकाबले को लेकर हम बात करेंगे मेरे सहयोगी प्रशांत के साथ और जानेंगे कि क्या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर चेन्नई सुपर किंग्स से अपना बदला ले पाएगी। तो प्रशांत, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये 39वां मुकाबला खेला जा रहा है आईपीएल का, क्या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर धोनी की सेना से अपना बदला ले पाएगी? देखिए, जो आज जो मैच है विराट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 7 मैचेस टीम हार चुकी है और अगर आपको प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो विराट के लिए अब से बाकी की सारे जितने भी मैचेस होंगे वो एक फाइनल की तरह होंगे। और जिस तरह जो आगाज़ विराट की टीम ने किया था वैसा ही अंजाम देखने को मिल रहा है। लगातार हार हुई थी 23 मार्च को जब आईपीएल शुरू हुआ था, तो पहला मैच केकेआर का नहीं था, चेन्नई और उसका रॉयल चैलेंज बैंगलोर का था और टीम को हार मिली थी बहुत कम स्कोर पे, आरसीबी की टीम निपट गई थी। तो उसके बाद से टीम में काफ़ी बदलाव हुए हैं, दोनों टीमों में काफ़ी बदलाव हुए हैं। टिम साउदी आरसीबी की टीम में आए हैं, तो वहीं केकेआर जो सीएसके की टीम है उसमें से कई खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, चोटिल हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज का जो मैच है उसमें कौन परफॉर्म करता है। बैंगलोर अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, होम ग्राउंड का इतना एडवांटेज नहीं मिला है जितने हमने पिछले मैचेस में देखा है, कई मैच हारे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मोइन अली और विराट कोहली टच में हैं, लेकिन अभी भी जो टीम के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली की टीम के लिए फील्डिंग है, क्योंकि अब तक के आईपीएल में विराट ने 3 कैचेस छोड़े हैं और मोहम्मद सिराज की फील्डिंग भी थोड़ा डामाडोल रहती है हर मैचेस में, कभी वो चौके छक्के छोड़ देते हैं, कभी कैच ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए, मैच अगर आपको जीतना है तो कैचेस जरूर पकड़ने होंगे। वहीं अगर उनकी गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो डेल स्टेन के आने से जो उनकी मीडियम पेस डिपार्टमेंट है उनको अच्छा, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिला है, क्योंकि एक्सपीरियंस जब खिलाड़ी आता है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ नवदीप सैनी बहुत ही क्लासिक और बहुत ये कह सकते तारीफ करने वाली गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत तेज़ डालते हैं वो नवदीप सैनी गेंदबाज, कई क्रिकेटर्स उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो ये मैच सुपर हिट हो सकता है अगर आरसीबी अपना 100% दे जैसे सीएसके दे रही है। तो जैसे अगर धोनी की बात करें जाए तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है विराट सेना के खिलाफ, तो धोनी क्या स्ट्रैटेजी अपना के उतरेंगे या फिर धोनी कूल माइंड होकर के इस मैदान पे उतरने वाले विराट सेना के खिलाफ? देखिए, धोनी पहले भी बोल चुके हैं कि उनकी टीम में कोई टीम मीटिंग नहीं होती है। मैच से पहले आप 15 या 14 खिलाड़ियों को बैठा के कोई मीटिंग नहीं करते हैं, 11 प्लेइंग 11 है तो उनको कोई मीटिंग नहीं करते हैं। दे बिलीव कि हम मैन टू मैन मीटिंग करें, अगर आप मैच से पहले टीटी खेल रहे हो, साथ में बैठे हो, डिनर कर रहे हो, तो उस वहाँ बेहतर है कि हम मैच को लेकर चर्चा कर ले, दूसरी टीम के वीक पॉइंट्स को लेकर चर्चा कर ले। तो धोनी के कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं सबको पता है, मैदान पे ही बनाते हैं, सब कैप्टन कूल हैं और स्ट्रेटेजी के माहिर हैं शायद, जब भी उनको DRS को धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। तो ये भी देखना अहम होगा कि धोनी आज के मैच में खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि पिछला जो मैच था जब CSK हारी थी तो वो बैक प्रॉब्लम की वजह से नहीं खेल पाए थे और उनकी जगह रैना ने कैप्टनसी की थी। तो अब ये देखना अहम होगा कि धोनी, अगर धोनी नहीं भी खेलते हैं, धोनी डगआउट से ही टीम को मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं कि आपको अब कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, अनुभवी टीम है, आईपीएल में पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर है, पिछले साल की विनर है, 2 साल के बैन के बाद में वापस आई है, तो एक तरीके से फुली पैकेज है सीएसके की टीम और लगातार मैचेस जीत रही है। एक आधा मैचेस आप हार जाते हैं, क्योंकि सीजन में अभी तक वो सिर्फ 2 मैचेस हारी है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास इमरान ताहिर जैसा गेंदबाज है जो देखिए 40+ हैं फिर भी इतने विकेट्स निकाल रहे हैं, उनकी फिटनेस का कोई जवाब नहीं है। हरभजन सिंह 2 बार मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं, आपके पास शेन वॉटसन है जो कभी भी गेम बदल सकते हैं, आपके पास सुरेश रैना है जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन गेटर बल्लेबाज है। तो ये कह सकते हैं कि एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और एकदम उत्साह से लबरेज टीम है जो विराट कोहली के सामने उतरने वाली है। अब विराट कोहली को ये देखना होगा कि इतने जो चुनौतियां उनके पास में, 11 चुनौतियां मान लीजिए, उस 11 चुनौतियों का बैटिंग बॉलिंग में फील्डिंग में कैसे रोकना है। जैसे कि इस टूर्नामेंट में देखा गया था कि आरसीबी और सीएसके के बीच पहला मैच खेला गया तो लो स्कोरिंग मैच था, फैंस काफ़ी निराश थे। जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मैच, यहाँ पे देखा गया कि हाई स्कोरिंग मैच जाते हैं, तो क्या कल का जो आज का जो मैच होने वाला है ये हाई स्कोरिंग मैच होगा? देखिए, चेन्नई का जो मैदान है सबको पता है बड़ा स्लो था, वहाँ रन नहीं बन रहे थे, ड्यू फैक्टर बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही थी। इस तरह से हमने देखा कि धोनी एक बार आउट हुए तो उनकी बेल्स भी नहीं गिरी, लेकिन अब आपके पास कंडीशन अलग है, अप्रैल का महीना आ चुका है, गर्मियाँ होती हैं अभी बैंगलोर में, तो जो साउथ की साइड में ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ ओस का जो ओस का है वहाँ ज़्यादा देखने को मिला, और पिच की जहाँ तक बात है ज़्यादातर वो सपोर्ट करती है बल्लेबाजों को। काफ़ी ऐसी आईपीएल में पिचेज हैं कई जगह की जो बल्लेबाजों को सपोर्ट करती है, चाहे फिर वो जयपुर की बात ले, बैंगलोर की बात कर ले, तो एक हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इमरान ताहिर और हरभजन और चाहे वो कोई भी गेंदबाज हो चेन्नई का, उनके लिए सबसे अहम है रोकना
जो विराट कोहली हैं और मोइन अली को रोकना है, क्योंकि हमने देखा था कोलकाता के खिलाफ जो 60 रन शानदार जो मोइन अली ने बनाए थे, बड़ा ही कम स्कोर था वो और गेंदबाजों को लिटरली उन्होंने रुला दिया था, तो वो उनके लिए इमरान ताहिर के लिए चैलेंज होगा। इमरान ताहिर विकेट टेकिंग गेंदबाज है, जब भी वो आते हैं एक ना एक विकेट लेके जाते हैं। मीडियम पेस जो उनकी है CSK की वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक टफ मुकाबला और हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अगर RCB या चेन्नई कोई भी टीम पहले खेलते हुए हाई स्कोरिंग स्कोर खड़ा करती है, बड़ा स्कोर खड़ा करती है, तो शायद सामने वाली टीम भी उसको चेज करने का मादा रखती है, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं आपके पास, पार्थिव पटेल है, चाहे फिर वो विराट कोहली है, मोइन अली है, अच्छे बल्लेबाज हैं, सब सेट बल्लेबाज हैं, और आपके पास गैरी कस्टन जैसा कोच है, जो उनका अनुभव हमने देखा था 2011 का वर्ल्ड कप हम जीते थे जब वो टीम के कोच थे, तो बहुत अहम कल का मुकाबला है सुपर संडे का, कल का नहीं आज का ही बोल लीजिए, इतने मैचेस हो रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, तो सुपर संडे जो आज का होने वाला दूसरा मुकाबला, ये भी सुपर हिट होगा पहले मुकाबले जैसे। चलिए जल्दी से मैच प्रेडिक्शन बता दीजिए कि क्या स्कोर होने वाला होगा और कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी। देखिए जो विराट के फैंस है वो तो यही चाहेंगे कि विराट की टीम जीते, और मैच प्रेडिक्शन में तो यही चाहेंगे विराट की टीम एक तरफा मुकाबला ले जाए, क्योंकि अब सारे मैचेस डू और डाई वाले हैं, हर मैच, जैसे राजस्थान के बीन स्टोक ने बोला था कि अब हमारे लिए जितने भी मैचेस हैं वो डू और डाई मैचेस हैं, वैसे ही RCB के लिए भी जो है हर मैच फाइनल जैसा है, आपको हर मैच जीतना है, पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आना है, प्लेऑफ में जगह बनानी है, क्योंकि इस बार IPL में जिस टीम से आपको आशा नहीं थी वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, और जिससे आशा थी वो नीचे चली गई है, तो ये आज के जो ये मैच है उस पर भी कहना मुश्किल है कि जीत किस और जाएगी, लेकिन अगर रिकॉर्ड्स की बात करी जाए, पिछले मैचेस की बात करी जाए, तो CSK एक कदम RCB से आगे है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, T20 खासकर कब बदल जाए ये पता नहीं। चलिए प्रशांत ने तो कह दिया है कि डू और डाई का ये मुकाबला है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अब देखना ये होगा कि आज CSK और RCB की टीम में कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है मैदान पर। जो भी होगा इस मुकाबले के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।